हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं BPHE 101 एंड यूनिट नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमने हाफ पार्ट हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में। रेस्ट ऑफ पार्ट हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हम स्टार्ट करेंगे विद टॉपिक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन करने से पहले आपको हम थोड़ा रिवाइज करवा दें कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। वेलोसिटी के बारे में हमने बोला था कि अगर डिस्प्लेसमेंट में जैसे जैसे टाइम पास होता है अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है टाइम चेंज आने पे, तो उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही इसकी डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसको एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए जो टाइम है 0 सेकेंड्स है, उस टाइम जो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 पे है, क्योंकि टाइम 0 इसका मतलब वो रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। 1 सेकेंड पे उसकी जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड्स पर कितना है उसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, एंड एट टाइम 3 सेकेंड इट्स वेलोसिटी ऑफ इज 6 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। इट मींस आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज, मतलब कि टाइम में चेंज आ रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है। लेकिन अगर वेलोसिटी में चेंज आए टाइम चेंज होने पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी जिसमें स्पीड चेंज होती है और डायरेक्शन भी उसकी चेंज होती है, और उसके साथ साथ दोनों में भी चेंज आ सकता है, स्पीड में भी चेंज आ सकता है डायरेक्शन में भी, या फिर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी के अंदर एक टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक इज एवरेज एक्सेलरेशन। अब अगर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन एट वेरियस टाइम पे उसकी वेरियस वेलोसिटी है, तो अगर हमने नेट वेलोसिटी फाइंड करनी है, नेट चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम कौन सी टर्म यूज करेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन। इट इज डिफाइंड एज द नेट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। फॉर्मूलाज के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब एसआई यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट वेलोसिटी की यूनिट हमें पता है क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड्स में। ये टाइम जो इसकी पावर 1 है, ये न्यूमरेटर में जाएगा, -1 हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी इसकी? -2। इसका मतलब एक्सेलरेशन के लिए या फिर एवरेज एक्सेलरेशन के लिए इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट फॉर्मूला आना चाहिए, यूनिट आप खुद से डिराइव कर सकते हो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर देखें, मैथमेटिकली हम एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन इट इज चेंज इन वेलोसिटी, मतलब सपोज कीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है v1, एंड उसकी फाइनल वेलोसिटी सपोज कीजिए v2 है, मतलब कि टाइम t1 पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? v1, एंड टाइम t2 के लिए उसकी वेलोसिटी v2 है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम। तो हम इसको चेंज को कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा के साथ, डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t। मोशन इन वन डायमेंशन, अगर जो एक्सेलरेशन चेंज हो रही है सिर्फ एक ही डायमेंशन में चेंज हो रही है, सपोज कीजिए कि वो एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे उसकी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, तब हम एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? v2 - v1, t2 - t1, आए यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं, जिससे हमें उसकी एवरेज वेलोसिटी की एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का पता चलेगा। तो हम इस चीज को हमने कैसे लिखा था? डेल्टा, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आई यूनिट वेक्टर। आई यूनिट वेक्टर से हमें पता चलेगा कि दैट द एवरेज वेलोसिटी इज गोइंग थ्रू द एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैग्नीट्यूड, अब हमें मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? सपोज कीजिए
कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके टाइम टी टू पे जो वेलोसिटी है वी वन है और टाइम टी टू के लिए वेलोसिटी वी टू है, अगर हम प्लॉट करें ग्राफ वी टी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो देखें यहाँ पे हमारे पास देखिए ये वैल्यू यहाँ पे टी टाइम के लिए वेलोसिटी आ रही है जिसको हमने पॉइंट पे यहाँ पे क्या लिखा ए पॉइंट। अगर टाइम टी टू के लिए वेलोसिटी वी टू है तो वहां पे हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है बी पॉइंट, ए इज वी टी वी वन टी वन एंड बी टू के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वी टू टी टू होंगे। जो लाइन ज्वाइन कर रही है ए बी दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप फॉर एक्सेलरेशन एंड दिस इज द स्लोप फॉर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। मतलब हम चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, वी टू माइनस वी वन यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और यहाँ पे भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दोनों को माइनस करेंगे चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। ऐसे ही टाइम टी टू माइनस टी वन करेंगे तो हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा, दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ग्राफिकली हम कैसे देखेंगे, ये जो स्लोप है इससे भी हम वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। अब हमने क्या क्या देखा कि एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, मैथमेटिकली इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस में इसको कैसे लिख सकते हैं और ग्राफिकली इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है डायरेक्शन की कि जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो एक्सेलरेशन इज डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की, सेम एज दैट ऑफ वेक्टर डेल्टा वी द चेंज इन वेलोसिटी। अगर ये बात आपको याद रखने के लिए है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको लर्न करने के लिए नहीं जस्ट अंडरस्टूड के लिए है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज मूविंग करती है, बहुत फास्ट मूव करती है तो भी उसकी जो वेलोसिटी है कांस्टेंट रहेगी। अगर मान के चलें कि उसकी वेलोसिटी वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं माना जाएगा। मतलब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को देखें तो वो क्या बताती है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तभी हम एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन की बात करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। मतलब अगर हम एक्सेलरेशन को समझना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी में चेंज आना जरूरी है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग वेरी फास्ट एंड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो स्टिल नॉट एक्सेलरेटिंग, इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट विल नॉट एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग, जो भी हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे उसकी जो मूवमेंट है जो कि उसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, वो धीरे धीरे हो रहा है, इट स्लोज डाउन, देन क्या होगा, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। एंड एक्सेलरेशन इज डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी, इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन का डिक्रीज होना उसको हम एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसको बोलते हैं डिसेलरेटिंग। डी का मतलब डिक्रीज होना एक्सेलरेशन में, तभी इसका नाम पड़ा डिसेलरेटिंग। डिसेलरेटिंग मतलब वेलोसिटी का डिक्रीज होना, एक्सेलरेशन का डिक्रीज होना। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ स्पीड बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक बोट है जो रेस्ट पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी एंड reaches the velocity of 20 meter per second due east in 30 second में वो उसकी velocity बन जाती है 20 meter per second और due to east उसके उसने direction भी बताई है। calculate average acceleration हमें find करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, given ये initial velocity v1 है, initial velocity क्योंकि rest point था तो इसकी initial velocity तो zero हो जाएगी। final velocity v2 जो क्या given है यहाँ पे 20 meter per second ड्यू टू ईस्ट। टाइम इंटरवल क्या है, चेंज इन टाइम वो हमने डायरेक्ट गिवन है 30 सेकेंड्स, टी टू माइनस टी वन। और हम इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था जो कि बोट है वो रेस्ट पे थी तो उसका जो इनिशियल टाइम था वो 0 सेकेंड था और फाइनल क्या है 30 सेकेंड। अब टी टू माइनस टी वन करोगे तब भी 30 सेकेंड्स ही आएगा,
ठीक है। अब एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वी टू माइनस वी वन, 20 माइनस जीरो 20/30, जिसका आंसर आएगा 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यू टू ईस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन गिवन है वही हमें यहाँ पे लिखना है। अ रेसिंग कार स्लो डाउन आफ्टर 9 सेकेंड, एक रेसिंग कार है जो स्लोज डाउन, वो स्लो हो जाती है 9 सेकेंड के बाद ऑफ द स्टार्ट, स्टार्ट होने के 9 सेकेंड के बाद वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है एट 9 सेकेंड, 9 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वेस्ट थी उसकी डायरेक्शन, 12 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकेंड थी उसी डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट में। हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन किस किस के बीच में, जो 9 सेकेंड था और जो 12 सेकेंड था। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट्स, इनिशियल वेलोसिटी जो थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 9 सेकेंड पे, इनिशियल के बाद क्या थी वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड, जो उसकी डायरेक्शन वो लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट। फाइनल वेलोसिटी 9 सेकेंड के बाद वो उसकी जो 12 सेकेंड के बाद, 9 सेकेंड के बाद कौन सा टाइम है 12 सेकेंड, वो फाइनल टाइम है जिसपे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 13 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू नॉर्थ वेस्ट। तो टाइम चेंज क्या होगा, टाइम चेंज हमें कैसे पता चलेगा, टी टू माइनस टी वन, टी टू क्या है 12 सेकेंड एंड टी वन है 9 सेकेंड, जो कि हमारे पास आ जाएगा 3 सेकेंड्स। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, जब आपको यहाँ पे आप वैल्यू फाइंड करोगे, देखो 13 माइनस 25, हम यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम डायरेक्शन आप वैसे ही लिखोगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज पता चलेगी, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, जो एक्सीलरेशन है वो डिक्रीज कर रही है, एक्सीलरेशन का डिक्रीज होना का मतलब क्या है, वो डिसलरेट कर रही है, ठीक है। और वैसे भी जब उसने क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कार स्लोज डाउन आफ्टर 9 सेकेंड, वो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो ऑब्वियसली वो एक्सेलरेट ही डिसलरेट ही होगी और उसकी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। और मैथमेटिकली भी ये प्रूव हो गया कि अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज होने का मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज होना, वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब हम क्या बोल सकते हैं उसे, डिसलरेटिंग। नेगेटिव साइन शोज दैट कार डिसलरेट एंड डायरेक्शन वुड बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट की बजाय उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी। द ड्राइवर ऑफ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करता है क्योंकि आगे क्या आ गई, ट्रैक पे गाय आ गई, तो उसको जो ट्रेन है उस पर ब्रेक लगानी पड़ेगी। और द ट्रेन स्टॉप्स इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स में ट्रेन रुक जाती है। वट इज एवरेज एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ द ट्रेन इन 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में उसकी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। गिवन क्या है सबसे पहले वो लिखते हैं, यहाँ पे हमें चेंज इन वेलोसिटी गिवन है एज इट इज 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें फाइंड करना है जो वैल्यू इन मीटर पर सेकेंड, तो हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम इसकी यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, आवर्स को हम चेंज करेंगे इन सेकेंड, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। आप यहाँ पे देखिए 0 0 कट कैंसिल आउट हो रही है, 6 कैंसिल आउट हो रहा है विद 72, हमारे पास 12 यहाँ पे आ गया 12, और उसके बाद 6 को कैंसिल आउट हो रहा है विद 12, हमारे पास क्या आ रहा है 2, तो 2 × 10 इज 20 मीटर पर सेकेंड, ये है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी। हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या क्या चाहिए हमें, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हमने अभी फाइंड करी है, चेंज इन टाइम हमें क्या पूछा गया है 10 सेकेंड्स में, वैल्यू पुट करोगे आपके पास आंसर 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। जिससे हमें क्या पता चला, जब ट्रेन 10 सेकेंड्स में रुकती है उसकी एवरेज एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसकी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जो प्लेन है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ऑन द रनवे एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर, उसकी वेलोसिटी है कितने सेकेंड्स में 20 सेकेंड्स में। वट इज इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, हमें मीटर पर सेकेंड्स में फाइंड करना है। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें गिवन है लेकिन हमें मीटर पर सेकेंड्स में निकालनी पड़ेगी, तो वैसे ही जैसे हमने अभी न्यूमेरिकल में किया है वैसे ही करेंगे, मीटर्स में और सेकंड्स में चेंज कर आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपके पास 100 मीटर पर सेकंड इसकी जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी, और यहाँ पे मीटर सेकंड्स है पर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी जो हमने अभी निकाला, टाइम हमें कितना गिवन है 20, सॉल्व आउट करा हमने क्या
फाइंड करा एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, मीटर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने सॉल्व करा है, स्टडी किया है एवरेज एक्सेलरेशन, अब हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया है, ये इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे। और उसकी डेफिनेशन बन गई, क्या लिखोगे, रेट एट विच वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एनी इंस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी है एट एनी इंस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आपको डेफिनेशन भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। अब बात करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला सारा कुछ सेम है, लेकिन एक चीज चेंज है, वो क्या है, यहाँ पे लिमिट है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। जब टाइम अप्रोच करेगा, टाइम इज बहुत, जो टाइम बहुत स्मॉल होगा, टाइम इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, वेरी स्मॉल, तब उसकी जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगी उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी, अब हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं टाइम को, डिक्रीज कर रहे हैं, तो हम इसका डेल्टा की बजाय क्या चेंज लेंगे, डेरिवेटिव में चेंज लेंगे, चेंज होगा लेकिन इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। अब हम फाइंड करेंगे इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखिए, वैसे ही हम यहाँ पे जैसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, टाइम टी वन पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वी वन होगी और टाइम टी टू पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वी टू होगी। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी, और जब आप यहाँ इसका स्लोप टेंजेंट आप इसको ड्रॉ करोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है यहाँ पे, ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप आप फाइंड करोगे, आपके पास आएगा पी क्यू, पी के वो आएगा, ये आपको क्या देगा, दिस स्लोप गिव्स यू एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इससे आप फाइंड कर सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फॉर्मूले की बात करते हैं, अगर इंस्टेंटेनियस वन डायमेंशन में है, सपोज कीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो आप यूनिट वेक्टर कौन सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे, आई यूनिट वेक्टर, डी वी अपॉन डी टी आई यूनिट वेक्टर, आपको यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखना है। एक बात याद रखिए, आपको अभी तक ये तो पता चल गया है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्ट डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, तो एज वेलोसिटी एज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन जीरो, देन वेलोसिटी वुड बी इंक्रीज, एंड इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव और लेस देन जीरो, इट मींस वेलोसिटी वुड बी डिक्रीजिंग। लेट्स कम टू न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज द वेलोसिटी ऑफ अ वर्टिकली फॉलिंग बास्केटबॉल। वर्टिकली फॉल कर रही है बास्केटबॉल और उसका टाइम चेंज हो रहा है, एंड वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हमें इक्वेशन में गिवन है, v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज गिवन बाय 4.9 t². हमें क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम 4 सेकेंड एंड 10 सेकेंड एंड बिटवीन टाइम 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जिसके लिए अगर टाइम टी वन हो, टाइम टी वन कितना है 4 सेकेंड, गिवन क्या है हमें इक्वेशन वो लिख ली, टाइम टी वन है 4 सेकेंड, टी टू क्या है 10 सेकेंड। टी वन के लिए हम यहाँ पे वी टी क्या निकालेंगे, टी वन पे यहाँ पे 4.9, ये हो जाएगा टी वन की वैल्यू 4² और टी टू के लिए वी 10, यहाँ पे अब टी की जगह क्या लिखोगे 10² और आपके पास फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम। वी टी टू आपने क्या निकाला है अभी यहाँ पे 4.9 × 16, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और वी टी वन क्या निकाला है यहाँ पे 4.9 × 100, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। टी टू माइनस टी वन, टी टू है 10, टी वन है यहाँ पे 4 सेकेंड, टी टू 10 है, टी वन 4 सेकेंड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 माइनस 4। हमने यहाँ पे सॉल्व करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 78.4 और 4.9 मल्टीप्लाई बाय 100 इज कम्स आउट टू बी 490 एंड डिवाइडेड बाय 6, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 68.6। अगर आप राउंड ऑफ करके लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा 69 m/s². सिमिलरली टाइम चेंज है, बाकी सारी वैल्यूज सेम है, यहाँ पे टाइम टी वन 2 सेकेंड्स है, टी टू 4 सेकेंड्स है, सारा फॉर्मूला सेम है, जस्ट टी वन टी टू वैल्यू चेंज करोगे, आपके पास 29.4 आंसर आ जाएगा, राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास 29 m/s² आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑफ न्यूमेरिकल है अ पोजिशन ऑफ अ बस अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड चेंजेस। पोजिशन चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसके इक्वेशन हमें गिवन है और कैलकुलेट हमें करना है एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका मतलब इसको चेंज करने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, हमें गिवन है पोजीशन,
अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, डेरिवेटिव करेंगे एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा जीरो, इसका बन जाएगा टेन, यहाँ पे पावर आ जाएगी आगे टू, टू मल्टीप्लाई बाय पॉइंट वन जीरो इज नोन टू बी पॉइंट टू जीरो एंड टी यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब अभी हमें इसका दोबारा अगर डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डबल डेरिवेटिव इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है तो जीरो ही हो जाएगा, नेगेटिव साइन, और ये यहाँ पे टी इलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी एक्सेलरेशन। और आगे क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम विल बी बस कम टू अ स्टॉप, मतलब कितने टाइम में बस अपने स्टॉप पे जाएगी। अगर बस अपने स्टॉप पे जाएगी तो वहाँ पे रुकेगी, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब उसका डेरिवेटिव डी एक्स पॉन डी टी भी जीरो है। अब डी एक्स पॉन डी टी क्या है, ये वैल्यू, मतलब ये वैल्यू भी जीरो है तो हमने पुट कर दी, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू जीरो। अब हमें क्या निकालना है, टाइम, तो यहाँ पे हमने ये क्या करा, इस टर्म को इस साइड ले गए तो ये आ गई पॉजिटिव दोनों, तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 50 सेकेंड, मतलब 50 सेकेंड्स में बस अपने स्टॉप पे जाएगी। टाइम मतलब 50 सेकेंड्स में वो अपने जो है इस टाइम पे बस स्टॉप पे आएगी। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे कि नाम से ही हम समझ सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। डेफिनेशन पे आते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस रेट द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट, मतलब जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट चेंज हो रहा है, चेंज तो हो रहा है लेकिन कांस्टेंट हो रहा है। और हम ये भी समझ सकते हैं कि इट हैज सेम वैल्यू फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स, मींस जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है और उन टाइम इंटरवल्स में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसकी वैल्यू सेम होगी। अगर फ्रॉम टाइम सपोज कीजिए टाइम है, पहले टाइम इंटरवल है 0 से लेकर 4 सेकेंड, उस टाइम उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब टाइम 4 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड तक उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, 7 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसके बाद अगर देखें 6 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में उसका है 9 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये वेलोसिटी अगर आप देखोगे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, दो दो का डिफरेंस, मतलब कि पहले 5 थी फिर 7 फिर 9, ये कांस्टेंट हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रही है, ठीक है। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी वैल्यू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल आती है। ए इज अ फंक्शन ऑफ टी, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टी, तो उसको हम ए बोलेंगे विच इज एनी कांस्टेंट। अब हम इसको इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशंस फाइंड करेंगे। हम इसके लिए सबसे पहले सपोज करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट है एट टाइम टी जीरो पे, जब एट पर्टिकुलर टाइम पे उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी एक्स, और टाइम टी जीरो पे इनिशियल स्पीड क्या होगी वी नॉट, और उसके विद रिस्पेक्ट जो टाइम होगा, टाइम के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी रहेगी वो होगी वी। टाइम इंटरवल टी इज टाइम फ्रॉम जीरो टू एनी टाइम पर्टिकुलर टाइम टी, ये हो जाएगा हमारे पास टाइम इंटरवल। अब हम डेफिनेशन कर लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर वी नॉट इज वेलोसिटी एट टाइम टी जीरो तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वी इज द फंक्शन ऑफ टी जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे है माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, क्योंकि इनिशियल टाइम टी जीरो है तो हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, वी टी माइनस वी नॉट अपॉन टी इज इक्वल टू ए। अब अगर वी टी की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या आ जाएगी, वी नॉट प्लस ए टी, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ये थी इनिशियल कंडीशन। अब हम अगर फाइंड करें पोजिशन, सपोज कीजिए जो पोजिशन है किसी पार्टिकल की वो इनिशियल पोजिशन एक्स नॉट है एट टाइम टी जीरो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है पार्टिकल है ये ट्रेवल करेगा विद एवरेज वेलोसिटी, जिस टाइम उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वी एवरेज इन टाइम पर्टिकुलर टाइम टी। तब आफ्टर टाइम इंटरवल टी, अगर टाइम कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी एक्स, क्योंकि इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट थी, अगर जैसे जैसे टाइम पास होगा तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी एक्स, विच इज गिवन बाय एक्स नॉट प्लस वी एवरेज टी। यहाँ पे अगर देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है ओ पॉइंट पे,
उसके बाद यहाँ पे है इसकी x नॉट पोजीशन, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो है x, विच इज गिवन बाय x नॉट प्लस एवरेज वेलोसिटी इनटू t. अब एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t जीरो, मतलब इनिशियल एंड फाइनल टाइम के बिटवीन जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इट इज हाफ. एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन. मीन कैसे लोगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टू, दिस इज द मीन. इक्वेशन नंबर वन जो है, अब हम इस को यूज करेंगे, इसमें जो वी टी की वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. हमने पुट कर दी, वी नॉट प्लस वी नॉट इज टू वी नॉट. अब टू वी नॉट इज डिवाइडेड बाय टू इज नोन एज वी नॉट. अब ये आगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा हाफ ए टी. और इस इक्वेशन को, एवरेज वैल्यू की इक्वेशन है, हमें पुट करना है उसको इक्वेशन नंबर टू में. जो वी एवरेज है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे. हमने देखिए पुट कर दी. अब देखिए यहाँ से, अब x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री. अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ t पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन. ये थी इक्वेशन नंबर वन. अब यहाँ से हमें फाइंड करना है t, वो क्या आ जाएगा, वी टी माइनस वी नॉट, ये इस साइड आ जाएगा a इज इक्वल टू टी. ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जहाँ t आ रहा है देखिए x नॉट एज इट इज, v नॉट एज इट इज, और t में हमने वैल्यू पुट कर दी प्लस हाफ एज इट इज a एज इट इज t. जो यहाँ पे t की वैल्यू है उसका होल स्केयर है तो होल स्केयर लिख दिया. उसके बाद ये वैल्यू एज इट इज लिख दी. उसके बाद हमने इस v नॉट को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, v नॉट vt आ गया, दिस इज v नॉट स्क्वायर, a तो दोनों के साथ ही है, प्लस हाफ. अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. और ये क्या है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है यहाँ पे, ए है, ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ए बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन ए. ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व आउट करेंगे, ये वैल्यू एज इट इज, ये वैल्यू भी एज इट इज, ये सारी वैल्यू एज इट इज. अब हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, इसको मल्टीप्लाई करा ये वैल्यू आ गई, फिर हाफ को मल्टीप्लाई करा वी नॉट के साथ ये वैल्यू आ गई. अब ये हाफ ये टू दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, बाकी जो टर्म बची हमने लिख दी. अब इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, प्लस माइनस में है तो कैंसिल आउट कर दी, बाकी जो बची मैंने एज इट इज लिख दी, बाकी सारी टर्म एज इट इज लिख दी. अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये वैल्यू सेम है, हाफ माइनस वन. अब इसका एलसीएम लेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ माइनस हाफ वी नॉट स्क्वायर ए. अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इस एक्स नॉट वैल्यू को इस तरफ ले जाइए, एक्स माइनस एक्स नॉट, ये वैल्यू एज इट इज आ गई. तो लास्ट इक्वेशन से अगर वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, एक्स माइनस एक्स नॉट. वन डायमेंशन मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी विच इज गिवन बाय ए वेक्टर, वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. ये आपको तीनों जो हमने अभी फाइंड करी हैं वो आप यहाँ पे समरी इसकी पढ़ सकते हैं. वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, v also given as x naught plus v naught t plus half at square, और जो अभी हमने find करी है v naught square plus 2a x minus x naught. अब एक point आप याद रखिए, deceleration only means that the acceleration vector point opposite to the velocity vector, मतलब जो acceleration vector होगा वो opposite होगा to the velocity vector. It tells that मूविंग ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, मतलब डिसलरेशन से हमें ये पता चलेगा जो ऑब्जेक्ट है वो स्लोली मूव कर रहा है और इट मूव्स डाउन स्लोली. दैट मीन्स इट्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर टाइम पे लेस हो जाएगी एज कंपेयर टू जो इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, लेस होगी एज कंपेयर टू फॉर्मर वेलोसिटी. इट डज नॉट मीन्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव और पॉजिटिव. जो मैग्नीट्यूड होगा वो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होगा, इसका सिर्फ मतलब ये होगा कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है और जो ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन. इसको हम न्यूमेरिकल के साथ समझ सकते हैं. A car is traveling at a speed 100 km per hour on a straight road. The driver spots a traffic policeman and slows down. मतलब कार ड्राइव हो रही है इतनी स्पीड पे और उसको कार को स्लो करना पड़ रहा है ट्रैफिक को देखते हुए, टू द स्पीड ऑफ ये होगी उसकी जब उसने स्लो करी, एट कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. दस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन दिस टाइम कितनी है, इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट 50 meters. कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार. अब हमें पता है जो कार है वो स्लो डाउन हुई है, इसमें टाइम टी क्या हो जाएगा, जीरो.
वी नॉट जो हमें पहले जो उसकी वेलोसिटी स्पीड थी वो थी 100 किलोमीटर पर आ, जिसको हमने मीटर इन सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, आप देख सकते हैं जैसे हमने पहले करा था। जो फाइनल थी उसके बाद डिक्रीज हुई थी वो थी 55, इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होती है, एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स माइनस एक्स नॉट हमें गिवन है क्वेश्चन में 50 मीटर। और अभी जो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो अभी हमने वैल्यू इक्वेशन निकाली थी एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वो थी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स नॉट। हमें फाइंड करना है अभी एक्सेलरेशन, तो हम क्या करेंगे वी नॉट को इस तरफ लेके आएंगे, क्या आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। और एक्सेलरेशन निकालना है तो ये दोनों टर्म इसके डिवाइड में आ जाएंगी जब आपके पास ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है। दोनों हमने वैल्यूज निकाली, हमने पुट कर दी 2 इंटू ये क्या है 50, पुट कर दिया दोनों, इसका स्क्वायर दोनों का निकाला तो ये वैल्यू आ गई। हमने क्या करा इसका सब्सट्रैक्शन करा, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई है। नेगेटिव का मतलब क्या है, जो नेगेटिव साइंस मीन्स जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सिस पे वो मूव कर रही है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है, ग्रेविटी की वजह से होने वाली जो एक्सेलरेशन है उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका फर्स्ट पॉइंट आप समझ लीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, मतलब एयर की वजह से अगर कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, एयर कोई रेजिस्टेंस क्रिएट ना करे, तो सभी बॉडीज चाहे उनका वेट डिफरेंट है, वो अगर हम जो नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ कोई एनी पॉइंट है, लोकेशन पॉइंट है, तो दोनों सभी की सभी ऑल बॉडीज वुड फॉल अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, सिमिलर मतलब सेम कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो क्या करेंगी, फॉल करेंगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो फॉल करेंगी नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ। The acceleration of a freely falling body, अभी जो free falling body जिसकी हमने बात करी है अगर उसकी वजह से acceleration जो है उसको बोलेंगे acceleration due to gravity। इसको denote करते हैं with small letter g। acceleration due to gravity से हमें ये पता चलता है कि जो free falling body है उनकी speed increase करती है, किसकी वजह से, gravity की वजह से, और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज करती है एज इट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड। मतलब अगर वो डाउनवर्ड फॉल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगी ड्यू टू द ग्रेविटी। अगर वो जो ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव करेगी वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर जाएगी, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि अब उस पर अपोजिट इफेक्ट लग रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। It is directed towards center of earth and its value is 9.8 meters per second square. 9.8 meter per second square, ये value इसकी constant रहती है, आप इसको याद रखिए, आपको बहुत काम आने वाली है। Next, equation of motion, अब हम equation of motion जो हमें हमने find करी थी for constant acceleration, उसको हम यूज करेंगे और फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन विद फ्री फॉलिंग बॉडीज। उसके लिए हम कंसीडर करेंगे ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस विच इज पॉइंटिंग अपवर्ड। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अभी जो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए स्टडी की थी वो थी वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। यहाँ पे जो ए है उसको सब्सिट्यूट करेंगे विद नेगेटिव जी, तो क्या आ जाएगा वी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी। हमने नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जिसमें x ये थी हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस में, लेकिन हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पॉजिटिव y एक्सिस। तो यहाँ पे x को सब्सिट्यूट करेंगे विद y एंड x नॉट को सब्सिट्यूट करेंगे विद y नॉट, और यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा नेगेटिव g। तो क्या आ गया इक्वेशन y इज इक्वल टू y नॉट प्लस v नॉट t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स नॉट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे y माइनस वाई नॉट और a की जगह क्या लिखेंगे g, और यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव साइन। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया
वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी वाई माइनस वाई नॉट। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं समझने के लिए हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस टू बी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमने पढ़ लिया है। जो साइन होगा, जो जी वैल्यू के लिए साइन होगा, वो नेगेटिव लिया जाएगा हमेशा, चाहे जो बॉडी है वो राइज कर रही है अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन, चाहे वो फॉल कर रही है टूवर्ड्स द नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम अपवर्ड, कोई ऑब्जेक्ट राइज करता है अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से हम उसकी जी वैल्यू जो लिखते हैं नेगेटिव लिखते हैं। लेकिन अब जब ऑब्जेक्ट फॉल करेगा, क्योंकि हमने अभी बोला था कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस भी, लेकिन बॉडी फॉल कर रही है वो किस तरह फॉल करेगी? अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी और जी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। मतलब चाहे जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे या फॉल करे टूवर्ड्स द अर्थ, उसकी जो जी वैल्यू होगी दोनों केसेस में नेगेटिव ही होगी। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है नेगेटिव साइन मीन्स दैट एज टाइम पासिस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स लेस पॉजिटिव या फिर ज्यादा नेगेटिव, लेस पॉजिटिव या फिर मोर नेगेटिव, दोनों केसेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, फ्री फॉलिंग बॉडी की एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? स्टोन थ्रो अप और डाउन वर्टिकली, बकेट ड्रॉप्ड इन द वेल, रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली। रेन ड्रॉप फॉल कर रहा है वर्टिकली, इसका मतलब वो भी फ्री फॉलिंग बॉडी माना जाएगा। स्टोन है, चाहे हम उसे ऊपर उछाल रहे हैं या फिर नीचे की तरफ फॉल करवा रहे हैं, वो एग्जाम्पल होगी फ्री फॉलिंग बॉडी की। एग्जाम्पल इसके लिए न्यूमेरिकल यूज करेंगे, इसको समझने के लिए न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है रेन ड्रॉप फॉल वर्टिकली फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट पोजिशन से वो ड्रॉप फॉल कर रहा है फ्रॉम द क्लाउड 2 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, ये हो जाएगी इसकी हाइट। सपोज देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन देम टू स्लो डाउन देम, व्हाट इज देयर स्पीड व्हेन दे फॉल ऑन द ग्राउंड एंड यूज जी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो 2 किलोमीटर है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन, इसका जो इसका डिफरेंस है वो हमें 2 किलोमीटर दिया गया है। और हम इसको हाइट भी लिख सकते हैं y माइनस वाई नॉट, या फिर हमें h वैल्यू दी गई है 2 किलोमीटर, जिसको हमें मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी? क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। g वैल्यू हमें गिवन है, ये तीनों वैल्यू हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी वाई माइनस वाई नॉट। यहाँ पे वी नॉट वैल्यू हमें पता है जी, और ये वैल्यू हमें पता, हमने वैल्यू पुट करी वी नॉट 0, जी माइनस 10, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूमेरिकल है उसमें जो जी वैल्यू हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, और हमें हाइट जो है वाई माइनस वाई नॉट 2000, इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड, या फिर 2 × 10^2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ हॉट एयर बैलून इज राइजिंग वर्टिकली, राइजिंग मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन में है इन द एयर, इट इज एट हाइट, हाइट अबव द ग्राउंड कितनी है? 80 मीटर। अब वहां से व्हेन अ बॉल इज थ्रोन डाउन फ्रॉम इट्स साइड, हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम फाइंड करना है कितने टाइम पे वो ग्राउंड पे पहुंचेगी बॉल, और उसके साथ साथ हमें ये पता करना है कितने टाइम पे पहुंचेगी और ग्राउंड पे हिट करेगी वो कितनी स्पीड के साथ हिट करेगी। अब हमें जो गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे हाइट, मतलब कि हमें क्या पता है y माइनस वाई नॉट हमें गिवन है, y माइनस वाई नॉट 80 मीटर हमें गिवन है, और g वैल्यू हमें पता है, और क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम क्या ले रहे हैं 0, हम क्या यूज करेंगे फॉर्मूला y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जिसमें ये वैल्यू हमें 80 मीटर गिवन है, वी नॉट तो 0 होता है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, जी वैल्यू भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, हाफ जी वैल्यू 10 है, टी हमें फाइंड करना है, तो हमने क्या करा इसको सॉल्व करा 5, और 80 के साथ जो ये डिवाइड हो जाएगा आ जाएगा 16 स्क्वायर सॉल्व करा तो वैल्यू आ जाएगी 4, मतलब कि टाइम क्या आ गया हमारे पास 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स में वो ग्राउंड पे सरफेस पे पहुंचेगी। अब हमें फाइंड करना है कितनी वेलोसिटी के साथ, तो उसके लिए हमें यूज करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन वी नॉट माइनस जी टी,
विनोट इज जीरो एंड मैग्नीटिसाइन जी इज ऑब्वियसली नेगेटिव, तो वैल्यू क्या जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट इक्वेशन न्यूमेरिकल इज अ कॉइन ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ ब्रिज. एक कॉइन है ब्रिज के से नीचे गिर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा टू अ रिवर, रिवर में गिर रहा है. द हाइट ऑफ ब्रिज अबव द सर्फेस ऑफ रिवर, जो डिस्टेंस है बिटवीन ब्रिज सर्फेस और ब्रिज और सर्फेस ऑफ रिवर में जो हाइट है वो डिस्टेंस है वो है 40 मीटर. कॉइन फॉल डायरेक्टली इन टू बोट मूविंग विथ, जो बोट है वो कॉन्स्टेंट मूव कर रही है विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ. द बोट was 20 meter away from point of impact at instant that the coin was dropped. तो जो boat है it is away from the instant. कितना है 20 meter. हमें find करना है speed of the boat. अब जो v naught है इसके लिए initial velocity, coin की जो initial velocity जो velocity होगी initial velocity it is equals to zero. boat के लिए initial velocity zero है और उसकी जो distance है इट इज डिस्टेंस गिवन बाय 20 मीटर. अभी ये जो इसको आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है 20 मीटर. अब हाइट या फिर डिफरेंस इन पोजीशन इज गिवन बाय 40 मीटर. जी वैल्यू हमें पता है, हम यूज करेंगे. सबसे पहले हमें फाइंड करना है टाइम. टाइम फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन क्या लगाएंगे, y इज इक्वल टू y नॉट माइनस v नॉट t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जिसमें हमें t वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे y माइनस वाई नॉट, यहाँ पे ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी क्योंकि v नॉट जीरो है. तो ये वैल्यू हम इस तरफ लेके जा रहे हैं, यहाँ क्या बचा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ये क्योंकि हमें t फाइंड करना है तो सारी टर्म्स हमें लेफ्ट साइड लेके जानी होंगी. तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, नेगेटिव साइन इस तरफ ले आए, जी वैल्यू डिवाइड में चली गई. हम इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, जी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. वाई माइनस वाई नॉट हमें 45 गिवन है, 45 मल्टीप्लाई 2 इज 90 डिवाइड बाय 100, 10 इज गिवन बाय 9, सो अंडर रूट 9 इज 3. तो हमारे पास टाइम आ गया 3 सेकेंड्स. स्पीड ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इज गिवन बाय 20 बाय 3 एंड वैल्यू इज 6.67 मीटर पर सेकेंड. तो ये थे न्यूमेरिकल फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज. अभी जितने न्यूमेरिकल आपकी बुक में थे हमने सभी सॉल्व कर लिए हैं. तो इसी के साथ हमने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा. सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी, फिर हमने फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा वेलोसिटी, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी, कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ा. उसके बाद हमने एक्सेलरेशन पढ़ा आज की वीडियो में. तो इसी के साथ हमने एक्सेलरेशन में पढ़ा इन एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, फ्री फॉलिंग मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. और उसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल हैं हमने करवाए हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे. और उनको उन न्यूमेरिकल को आप अच्छे से कीजिएगा, उनके चांसेस है कि आप पेपर में आ सकते हैं. तो इसी के साथ अगर आपको कोई इन टॉपिक्स में से कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. इसके अलावा कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपनी क्लासमेट्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं. तो इसी के साथ आप देखते रहिए हमारी वीडियोज़. थैंक यू.